हेलो दोस्तों मैं हूँ वसीम तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था डीडीएल स्टेटमेंट डीडीएल का फुल फॉर्म होता था डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएमएल स्टेटमेंट जिसका फुल फॉर्म होता है डाटा मैनिफिलेशन लैंग्वेज इसमें डीडीएल स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर रहे थे उसका हमने चार कमांड्स देखा था क्रिएट अल्टर ड्रॉप और रीनेम और इसमें डी एम एल स्टेटमेंट में जो होता है इंसर्ट अपडेट और डिलीट ये तीन होता है इसमें कभी कहीं कहीं पे डी एम सेलेक्ट जो होता है वो डी एम एल स्टेटमेंट में भी बोला जाता है कहीं पे डाटा रिट्रीबल लैंग्वेज में भी होता है डी डी आर एल स्टेटमेंट में भी होता है वो तो हम लोग अभी देखेंगे मेनली फोकस करेंगे इंसर्ट अपडेट और डिलीट पे तो हम लोगों ने जो डी डी एल स्टेटमेंट पढ़ा था उसमें हमने ये एक क्रिएट किया था टेबल क्रिएट टेबल टेबल नीम करके ये हमने क्रिएट टेबल किया था ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे यह अपना है क्रिएट टेबल टेबल नेम करके ये इतना आईडी डी ये टेबल हमने यहाँ से उठाया था ये वाला ये स्टाफ वाला टेबल जो नोट पैड में आप देख रहे हो स्टाफ वाला टेबल है ये वाला टेबल हमने सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर हमने बनाया नहीं? तो डिस्क्राइब ई एम मैंने किया तो यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया उसमें क्या इसका आई नंबर फाइव है ई नेम वायर के टू है यह इतना है तो अभी हम लोग देखते हैं पहले dml स्टेटमेंट का सबसे पहला होता है कमांड इंसर्ट तो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम का डालेंगे empl y employee insert into employee अभी हम लोग क्या करें वैल्यूज डालेंगे वैल्यूज डालना है तो हम लोगों ने हम लोगों को वैल्यूज डालना है इसलिए वहाँ पे वैल्यूज लिखना होगा वैल्यूज लिखने के बाद ब्रैकेट uh, ओपन करेंगे उसके बाद आईडी है आईडी में आप देख सकते हो हम लोग मेरे पास एक सैम्पल टेबल है तो ये वन ज़ीरो ज़ीरो वन है तो दीपेश का नाम और मैनेजर वन ज़ीरो ज़ीरो वन कौमा उसके बाद दीपेश जब ये क्योंकि ये नाम है वायर के टू कभी भी रहेगा वो कोड के अंदर रहता है दीपेश दीपेश उसके बाद क्या है एक मैनेजर है तो मैनेजर का ये भी वायर कैट टू है वायर के टू वाला जो रहेगा मतलब कि स्ट्रिंग जो रहेगा वो सिंगल कोट या डबल कोट के सिंगल कोट के अंदर रहेगा किसी भी कोट के अंदर रहेगा तो वायर कैट टू वाला जितना है नंबर कोट के अंदर भी डाल सकते हैं बिना कोट के अंदर भी डाल, डाले लिख सकते हैं उसके बाद है मैनेजर ये एमजीआर एम जी आर वन जीरो जीरो फाइव है इसका तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं वन ज़ीरो ज़ीरो फाइव डालते हैं उसके बाद फिर कॉमा डालते हैं उसके बाद अभी आप देख सकते हो तो हायर डेट है तो हायर डेट है चार जनवरी दो हजार पंद्रह तो चार जनवरी दो हज़ार पंद्रह सिंगल कोड में डालेंगे हम लोग जीरो फोर जनवरी चार जनवरी दो हजार पंद्रह टू ज़ीरो वन फाइव हायर डेट हुआ उसके बाद कॉमा डालेंगे कॉमा डाल के उसके बाद उसका क्या है सैलरी सैलरी है फिफ्टी थाउजेंड तो फिफ्टी थाउजेंड उसके बाद कमीशन है कमीशन है थ्री थाउजेंड तो थ्री थाउजेंड कॉमा उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर है डिपार्टमेंट नंबर टेन डिपार्टमेंट नंबर टेन हमने डाल दिया है फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे सेमी कॉलम लगाएंगे इंटर करेंगे अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ रहा है वन रो क्रिएटेड वन रो क्रिएटेड अब अब अगर जो हम लोग ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी एल वाई एम्प्लॉय करेंगे सेमी कॉलम लगाएंगे इंटर करेंगे तो आप देख सकते हो ये आ गया आई डी आई डी ई नेम जॉब मैनेजर एम जी आर हाई डेट सैलरी कमीशन और ये डिपार्टमेंट नंबर क्योंकि ये पेज का साइज जो है ना छोटा है इसके लिए ये डिपार्टमेंट नंबर इधर आया अभी हम लोग अगर जो सेट लाइन साइज सेट सेट पेज साइज करते हैं पेज साइज टू हंड्रेड हमने किया इंटर किया और फिर ये वाला चीज हम लोग ये कमांड फिर से रन कराते हैं कंट्रोल सी और यहाँ से कंट्रोल वी इंटर नहीं ये इतना बड़ा ही आ रहा है ये साइज इतना बड़ा ही आ रहा है ये इसलिए आ रहा है ये जो आप डैश uh, देख रहे हो इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये डैश की वजह से जितना बार हमने साइज़ लिखा उतना बार डैश वो आएगा तो ये ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ये एक यहाँ पे आ रहा है हमें पर ये पेज का साइज़ की वजह से ये ऐसा सो कर रहा है ना उसके बाद इसी तरह से हम लोग जितना ये इस टेबल में जितना है उतना हम लोग इस सेम इस तरह से ही हम लोग डाल सकते हैं और फिर दूसरा एक क्या है एक तरीका और है इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग इंसर्ट इन ये वाला हम लोग कॉपी कर लेते हैं वैल्यूज़ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से हमने कॉपी कर लिया उसके बाद ब्रैकेट लगा दिया उसके बाद यूज़र इनपुट डालने के लिए हम लोग जानते हैं कि यूज़र इनपुट डालने के लिए परसेंट लगाते हैं कभी भी तो ये एम परसेंट लगाया हमने सबसे पहले आईडी है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आईडी डी यहाँ पे आई है तो आईडी हमने लिख दिया आईडी डी उसके बाद कॉमा उसके बाद ई नेम है ई नेम के लिए पहले क्योंकि वो वायर कैट टू है उसका स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाला है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसलिए हम लोगों को पहले सिंगल कोड डालना होगा उसके बाद एम परसेंट डालना होगा उसके बाद इसका कॉलम का नेम जो है कॉलम का नाम नाम है ई नेम तो हम लोगों को ई नेम लिखना होगा यहाँ पर सिंगल कोड बंद करेंगे फिर ये कॉमल डालेंगे उसके बाद क्या है ई के बाद है जॉब जॉब का भी सेम वही एम परसेंट जॉब सिंगल कोड बंद कॉमा जॉब के बाद क्या है जॉब के बाद एम क्योंकि एम नंबर है इसलिए मुझे वहाँ पे डायरेक्ट एम हम लोग लिख सकते हैं सिंगल कोड का जरूरत नहीं है फिर कॉमा एम के बाद अभी क्या है हायर डेट हायर डेट के लिए मुझे सिंगल कोट डालना होगा एम्परसेंट हायर डेट मतलब जो यूजर इनपुट करेगा यूजर तो से इनपुट मांगने के लिए इम्परसेंट लगाते हैं और उस कॉलम का क्या नाम है वो कॉलम का नाम डालते हैं हम लोग तो यूजर से इनपुट मांगेगा वो तो हायर ड्रेट तो डालने के बाद फिर कॉमा डाला हमने उसके बाद नेक्स्ट क्या है हायर ड्रेट के बाद है जैसे सिक्वेंस में है वैसा ही सिक्वेंस होना चाहिए तभी होगा वो हायर ड्रेड के बाद है सैलरी तो सैलरी क्योंकि नंबर में है इसलिए एम परसेंट सैल सिर्फ डाल देंगे कॉमा सैलरी के बाद फिर कमीशन है शायद एम परसेंट डाला हमने या सैलरी के बाद कमीशन सी ओ एम एम है तो जैसे स्पेलिंग है सेम वैसा ही हम लोगों को स्पेलिंग भी लिखना होगा तभी वो नहीं तो एरर थ्रो करेगा वो कमीशन के बाद अभी देख सकते हो आप यहाँ पे डी पी टी एन ओ है तो एम परसेंट डी ई पी टी एन ओ हमने ये डाल दिया उसके बाद हम लोग जो ब्रैकेट क्लोज करके सेमी कॉलम डालेंगे और इंटर करेंगे तो वो यूजर से इनपुट मांग रहा है आप देख सकते हो वहाँ पे लिख के आ रहा है इंटर वैल्यू फॉर आईडी आईडी के लिए वैल्यू है ये वन ज़ीरो ज़ीरो टू तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्रेस कर देंगे वन ज़ीरो ज़ीरो टू इंटर ई नेम इंटर वैल्यू फॉर ई नेम ई नेम क्या है अपना डब्ल्यू ए एस आई एम वसीम है यहाँ पे तो हम लोग डब्ल्यू ए एस आई एम वसीम हमने डाल दिया इंटर किया उसके बाद वैल्यू फॉर जॉब है तो जॉब में क्या है आप देख सकते हो एनालिस्ट तो हम लोग यहाँ पे एनालिस्ट डाल दिया इंटर किया वैल्यू फॉर एम जी आर एम जी आर है यहाँ है वन ज़ीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन इंटर हायर डेट इसमें देख लेते हैं हायर डेट बीस फरवरी दो हजार सोलह बीस फरवरी दो हजार सोलह इंटर उसके बाद सैलरी पूछ रहा है यहाँ पे सैलरी है थ्री फाइव फाइव सेवन फाइव थ्री फाइव फाइव सेवन फाइव इंटर कमीशन कमीशन है टू फिफ्टी टू टू फिफ्टी टू इंटर उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर ये ट्वेंटी इंटर अब देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ रहा वन वन रो रो क्रिएटेड क्रिएटेड मतलब दूसरा रो पहले एक हमने ये वाला डाला था तो एक रो हुआ था ये दूसरा रो हो गया अब फिर और डालना है क्योंकि इसमें बहुत सारा है तो हमने वन डाला टू डाला विथ थ्री भी, भी डालना है तो क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ एक स्लैश डालेंगे ये वाला स्लैश डालेंगे फॉरवर्ड स्लैश इंटर करेंगे अब इंटर वैल्यू फॉर आईडी मांग रहा है फिर से मांग रहा तो हम हम लोगों ने वन जीरो जीरो टू डाला तो वन जीरो ज़ीरो थ्री डालेंगे इंटर ई नेम क्या है ई e नेम चेक कर लेते हैं क्या है रवि ई नेम है आर ए वी आई रवि उसके बाद जॉब इसका भी एनालिस्ट है उसके बाद एम जी आर इसका एम जी आर में क्या है वन ज़ीरो ज़ीरो वन तो वन ज़ीरो जीरो वन एम जी आर में हमने डाला उसके बाद हायर डेट इसमें हायर डेट क्या है रवि का है पंद्रह जनवरी दो हज़ार सोलह सत्रह पंद्रह जनवरी दो हजार सत्रह इंटर उसके बाद सैलरी है रवि का सैलरी आप देख सकते हो रवि में सैलरी है पैंतीस दो सौ दो सौ पचपन थ्री फाइव टू फाइव फाइव उसके बाद इसका कमीशन है कमीशन आप देख सकते हो रवि में क्या है नल है तो नल के लिए मुझे यहाँ पे यहाँ पे नल लिखना होगा एन यू डबल एल नल इंटर डिपार्टमेंट नंबर है डिपार्टमेंट नंबर है टेन तो टेन यहाँ पे नल मतलब क्या हुआ नल मतलब कुछ भी नहीं खाली जगह तो अभी हम लोग ये हमने तीन डाला है रो वन रो टू रो थ्री है ना तो इसको हम लोग डिस्क्राइब अगर जो करेंगे फिर से ये वाला सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ये वाला कॉपी करके हम लोग पेस्ट करते हैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी इंटर करते हैं तो आप देख सकते हो ये यह, यहाँ पे तीन आ गया पहला दिपेश दूसरा वसीम और तीसरा रवि आ गया तो तीन रो हमने क्रिएट कर लिया और देख सकते हो यहाँ पे कमीशन में यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि हमने जो कमीशन डाला उसका नल डाला तो इसलिए नल यहाँ पे खाली जगह है ब्लैंक है तो ये हो गया अपना इंसर्ट का इंसर्ट के बाद क्या है अपडेट इस तरह से ही हम लोग इंसर्ट करते चले जाएंगे पूरा ये जो डेटा है जितना डेटा है वन जीरो जीरो थर्टीन तक हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं अभी क्या है दूसरा अपडेट है अभी क्या कर, करना है अपडेट करना है जैसे कि ये दिपेश का सैलरी फिफ्टी थाउजेंड है तो फिफ्टी फाइव थाउजेंड करना है मुझे तो क्या करेंगे इसको अपडेट करना है Update table employ set salary equal to fifty five thousand where ID, ID equal to one zero zero one. ये एरर थ्रो कर रहा है। तो अच्छा अपडेट में अपडेट के बाद टेबल दे लिखते अपडेट अपडेट को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी से हमने अपडेट लिखा उसके बाद टेबल नहीं लिख देंगे डायरेक्ट ये वाला हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे इंटर वन रो अपडेटेड अभी देख सकते हो यहाँ पे हमने अपडेट के बाद टेबल नहीं लिखना लिखना होता है टेबल के अंदर अपडेट कर रहे है। पर टेबल मुझे लिखना ही लिखना नहीं है अपडेट Uh, कौन से टेबल में टेबल का नाम अपडेट टेबल नेम सेट सैलरी अभी आप देख सकते हो यहाँ फिफ्टी थाउजेंड था अभी फिफ्टी फाइव थाउजेंड हो जाएगा जब हम लोग इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो फिफ्टी फाइव थाउजेंड ये वाला फिफ्टी फाइव थाउजेंड हो गया तो हमने क्या किया इसमें अपडेट टेबल नेम अपडेट करने के बाद टेबल नेम हमने अपडेट टेबल देम सेट कर रहे हैं क्या सेट कर रहे हैं uh, जो पहले फिफ्टी थाउजेंड था उसको फिफ्टी फाइव थाउजेंड सेट सैलरी में फिफ्टी फाइव थाउजेंड कर रहे हैं वेयर आईडी लोकेशन मुझे डालना है कि कौन सा कहाँ पे करना है तो आईडी डी आई डी वन ज़ीरो ज़ीरो वन या फिर ई e भी डाल सकते थे दीपेश है ना जो कि यूनिक हो तो यहाँ पे यहाँ से हमने अपडेट कर लिया अभी मुझे डिलीट करना है डिलीट भी तो डिलीट के लिए भी वही सेम है

चला गया अभी यहाँ से ख़त्म हो गया यानी कि दो ही रो मेरे पास बचे हुए तो डिलीट से क्या होता है किसी एक एक रो को डिलीट कर सकते हैं या तो हम लोग कर सकते हैं डिलीट डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल नेम डिलीट फ्रॉम टेबल नेम डायरेक्ट दा, मतलब कि पूरा डिलीट कर सकते हैं, एक साथ पूरा डिलीट कर सकते हैं तो वो हम लोग ट्रंकेट के साथ जब हम लोग देखेंगे ट्रंकेट ड्रॉप और डिलीट ये तीनों एक साथ देखेंगे तो हम लोग वो करेंगे तो आज के लिए इतना ही आपको मैं ये डेटा दे, दे दूँगा आप ये पूरा डेटा जितना है वो टेबल बना क्रिएट कर लेना तो थैंक यू चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कुछ भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए ये, ये या फिर को, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप, आप अपना ईमेल आईडी कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके थैंक यू